पासवान जी को नमन किया आपने, क्या कार्यक्रम है, किस तरह का? देखिए, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज इस देश के सर्वमान्य नेता, इस देश ही नहीं पूरे विश्व में इनकी लोकप्रियता रही है और आज इनकी प्रथम पुण्यतिथि है और प्रथम पुण्यतिथि पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार पूरे जिले में, बिहार के कोने कोने में हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज पुण्यतिथि पर लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, भारत सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्वर्गीय राम विलास पासवान जी को हम लोग आज याद कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता बक्सर जिला के याद कर रहे हैं और उनके किए हुए कार्यों को आज हम लोग अपने बीच में शेयर कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पूरे भारत की संसदीय राजनीति जो 52 वर्षों की रही, वह बेदाग छवि रही। एक पैसा कोई माई का लाल नहीं हुआ 52 वर्षों के अंदर में कि कोई आरोप लगा दे। उन्होंने भारत के 6-6 प्रधानमंत्री आदरणीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, HD देवगौड़ा जी, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद वर्तमान भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनको काम करने का मौका मिला। और जिस जिस विभाग में रहे, कल्याण मंत्री थे स्वर्गीय VP सिंह जी की सरकार में, तो मंडल कमीशन जो था ठंडे वस्ते में पड़ गया था। इनके कलम से मंडल कमीशन आज बिहार में देखने को मिल रहा है। उसके बाद रेल मंत्री रहे, रेल का कायाकल्प करने का काम किए। संचार मंत्री रहे, संचार क्रांति इस देश में लाने का काम किए। उन्होंने कहा था कि जो आज जो टेलीफोन है, यह कुछ दिनों में टोकरी में बैगन के भाव से मैं बिकवाने का काम करूंगा। इस्पात मंत्री रहे, कोयला मंत्री रहे, रेल विभाग में कुलियों को 4th ग्रेड की नौकरी का दर्जा दिलवाने का काम किया, उनको वस्त्र उपलब्ध कराने का काम किया। आज 2020 तक जब जीवित थे, जिनके जिम्मे खाद और आपूर्ति मंत्रालय था, उन्होंने देश के 80% लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया, जो उन्हीं की पहल थी। और वन नेशन वन कार्ड जो आज पूरे देश में चल रहा है, माननीय रामविलास पासवान जी का दिन था आज, उनको हम लोग श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। आज उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, अपने नेता के चरणों में हम लोग कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अखिलेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, बक्सर।